सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं ग्रैनी गेम। एक्चुअली हम ग्रैनी गेम नहीं, आज हम ग्रैनी को खेलने वाले हैं। तो ग्रैनी को खेलने के लिए यार हम ग्रैनी हैं, और देखो कहाँ छुप के बैठा हुआ है, ए पट के हेडशॉट। तो गाइस इसको हमने मार दिया। ओ माय गॉड यार ये मरा ही नहीं, हमारे से तो चीटिंग हो रही है। जब हम गेम खेलते हैं तो हम एक ही शॉट में मर जाते हैं, पर ये इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो फिर अब हमें इसे ढूंढना होगा और उसको मारना होगा। आज हमारा नाइट वन है, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यार बड़े ध्यान से इसको खेल रहे हैं, और साथ में यार हम तो बंदे के साथ साथ तो यार मैं ग्रैनी बनने के बावजूद भी गंदी प्लेयर ही रही हूँ। अब पता चला कि ग्रैनी इतनी धीरे क्यों चलती थी। गाइज इस गेम का नाम तो प्ले फॉर ग्रैनी है, और इसमें हम खेल रहे हैं एज अ ग्रैनी, और हमें इसे मारना है। यार पहली बार मैंने इस करेक्टर को देखा है जो हम हमेशा बन के आते थे, और ये करेक्टर गंजा है, इसका मुझे पता भी नहीं था। और इसके अंदर ना हमें ना इंस्ट्रक्शंस मिले जा रहे हैं कि यहाँ पे आवाज़ आ रही है ये वो, बट इसके अंदर एड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। पर लेकिन गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। कुछ कुछ जगह तो ग्रैनी खुद भी नहीं जा सकती, मेरे को लगा था ग्रैनी यहाँ पर से गिर जाएगी, पर वो तो गिरी ही नहीं बाय द वे। तो यार देखो इन जगहों पे ग्रैनी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये ग्रैनी लगता है ज़्यादा लंबी, नहीं ग्रैनी झुक नहीं सकती बेचारी। यार इसको इतनी बार मारने की कोशिश कर ली लेकिन ये मर ही नहीं रहा। अभी तक हमारी नाइट वन ही नहीं ख़त्म हुई है यार, तो आज मैं इसलिए सिर्फ टू नाइट से खेलने वाली हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं ऑल नाइट्स खेलूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके तो अब इसको ये देखो गैराज में बैठा है, ये ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा एस्केप करने वाला है। ये मेरे को गैराज में मिला है, तो क्या पता ये कार एस्केप करना चाहता हूँ। तनी गाइस यार मैं ना बार बार ना बीच बीच में ना कहीं कहीं ना रुक रही थी, मुझे लगता है इसको वेपन की मिल चुकी है। अगर इसे वेपन की मिल चुकी होगी तो मतलब कि ये हमें मार सकता है। तो ओ यस गाइस हमने नाइट वन कंप्लीट कर चुकी है, एंड वेलकम टू नाइट टू। तो अब देखते हैं इस नाइट टू में इसका क्या होने वाला है। अरे तो मकड़ी के पास चला गया, मतलब इसके पास वेपन की है, एंड मैं फ्रीज हो गई। तो गाइस अब 2 मिनट्स के बाद मिलते हैं। तो मेरे 2 मिनट्स ख़त्म हो गए, अब उसको जाके ढूंढना पड़ेगा। तो वो तो यहाँ पे है हॉल में। तो गाइस उसने फिर मुझे वेपन की से मार दिया। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।